आप गर्भ बोले व्यक्ति कोदा मिशन पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश कुमावत की प्रेरणा से आज हमारे गांव में दूधनी गांव में नवनिर्मित महोत्सव में मैं और मैं अपनी धर्म पत्नी आप पर्यावरण संरक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिए आप सभी गांव लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी सभी कोई भी धार्मिक उत्सव हो तो आप भी अपने आप को पेड़ पर्यावरण को आगे बढ़ाए। कोई भी बोलना हो बाउसी ओ घर है जनावर रे ओ घर मजोन हुए जीमन बड़े जीमन बड़े जीमन हरी बाजी ने घर बही कौमे बाजी बही कौमे हरी मोटा मोटा हरी बाजी जोन है जन्ने या मैं जन्ने मोटा मोटा अरे बात खूब खोराक दीजिए बटक कर जियो खूब 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 हाँ खूब थरा लीला लर भाई माधव जी पंजी बाजू खूब लीला करी हो कारण से कि मां तो बमे ने अरे बात पर एक है देख बात हां बोले कामेश्वर महादेव की जय मां इंगलाजरी जय हो पंजी बाब श्री जय हो गौ माता री जय हो धरती माता री जय हो जय हो जय हो बोले अम्मा महाराज आज की जय हो खूब लीला बोलो गिरिदेव मित्रों आज हम नवनिवाहित दंपति जो दुन्नी गांव में हमारे दिनेश जी सैन जो निवास करते हैं और आज नाड़ी के ऊपर मनाराम जी आदाराम जी और मदन जी भाई साहब और पूरा जो यहां पे उपस्थित ग्रामीणों के सहयोग से और पर्यावरण जागृति के लिए एक नया अभियान शुरू किया है क्योंकि घर में कोई भी कार्यक्रम हो उससे पहले एक पौधारोपण की रस्म निभाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का संरक्षण हो सके। और मैं एक आमजन से अपील कराऊं कि घर में कोई भी धार्मिक फंक्शन हो सामाजिक हो धार्मिक सामाजिक और अन्य प्रकार का कोई भी फंक्शन हो तो उससे पहले पौधारोपण कर पर्यावरण जागृति के लिए अपनी भूमिका जरूर निभाए। आज हमने दिनेश जी की शादी में जो बर्ड का जो पौधा लगाया उन्होंने अपने हाथों से, लोगों में ऐसी मान्यता है कि इसको लगाने से वंश की बढ़ोतरी नहीं होती है, हम इसका खंडन करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार की वनस्पति है उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है, एक ही छिक्के के दो पहलू है। तो मैं इसी छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें और उसका संरक्षण करें। जय हिंद जय भारत जय भारत।